वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद इसे लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी भारत रत्न दिया जा चुका है। वाजपेयी के बाद ये सम्मान पाने वाले आडवाणी दूसरे बीजेपी नेता हैं। पुरस्कार दिए जाने के बारे में पीएम मोदी ने खुद बताया और इस पर खुशी जाहिर की। हाल ही में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हुआ तो इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बताया गया और अब लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिए जाने का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है। जाहिर तौर पर इसे लेकर लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और सियासी आकलन शुरू हो गए हैं। आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर कई लोग हैरानी भी जता रहे हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से कहा जा रहा था कि आडवाणी और उनके बीच रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, क्योंकि आडवाणी ही बीजेपी में पीएम पद के दावेदार थे। पीएम मोदी के साथ उनके संबंध जटिल ही बताए जाते हैं। ये भी कि आडवाणी ही थे जिन्होंने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते नरेंद्र मोदी का हर मुश्किल समय में साथ और समर्थन दिया। माना जाता है कि आडवाणी ने ही मोदी को आरएसएस कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़ने में मदद की थी। गुजरात दंगों के बाद आडवाणी ने ही मोदी की कुर्सी भी बचाई। सत्ता में आने के बाद आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में रखा गया, जिसे विरोधी दलों ने खूब भुनाया और इस पर विरोधी दलों ने जमकर बीजेपी को घेरा। विरोधी दलों ने इसे अनुभवी भाजपा नेताओं की रिटायर्ड पीठ बताकर तंज किया था। ये भी कहा जाता है कि मोदी जैसे जैसे राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होने लगे, आडवाणी नाखुश और असहज होने लगे। आडवाणी के लिए भारत रत्न की घोषणा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन के ठीक बाद हुई है। आडवाणी को अयोध्या आंदोलन का एक प्रमुख वास्तुकार माना जाता है जिसने भाजपा को केंद्र की सत्ता दिलाई। इस समय आडवाणी को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिए जाने से आगामी लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के मंदिर के दावे में इजाफा होने की संभावना है। लाल कृष्ण आडवाणी की सबसे ज्यादा चर्चा उनकी रथ यात्रा को लेकर हुई। यात्रा के दौरान ही उन्होंने कहा था कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे। उन्हें बिहार के समस्तीपुर जिले में गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति मंडल बनाम कमंडल की हो गई। आज के समय में कई बड़े नेताओं का पॉलिटिकल करियर बनाने में उनका अहम योगदान रहा है। हालांकि अखिलेश यादव ने इस कदम को सीधे सीधे चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि भाजपा ने वोट के लिए ये कदम उठाया है। मिली थी, मैंने पहले भी कहा, फिर दोहराता हूं उस बात को कि सभी सांसदों की उनकी टिकट कटने जा रही है। जो एक सांसद है वो सीट बदलना चाहते हैं, तो सोचिए अगर ऐसी परिस्थितियों में जिन्हें राजनीति करनी पड़ेगी तो क्या सीट जीतेंगे वो। इसीलिए जानबूझ करके दूसरों की चिंता उन्हें ज्यादा है, उन्हें चिंता अपनी होनी चाहिए। और हमारे साथी ने जो पूछा कि भारत रत्न, ये भारत रत्न अपने वोट को बांधने के लिए दिया जा रहा है, ये सम्मान में नहीं दिया जा रहा है। सम्मान तो है, खैर उस बात को, क्योंकि भारत रत्न है, लेकिन अपने वोट को बांधने के लिए। दूसरी तरफ जमाते इस्लामी हिंद ने बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर प्रतिक्रिया जताई। जमात के राष्ट्रीय सचिव मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मौजूदा सरकार से ऐसे ही लोगों को अवार्ड देने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये सरकार नफरत के बूते अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। मौजूदा सरकार ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और शांति नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने इस कदम की सराहना की है। अब ये साफ है कि बिहार को साधने के लिए कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का फैसला और अब अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न देने का फैसला मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक ही है। अब देखना है कि लोकसभा चुनाव में बिहार और उत्तर प्रदेश में इस फैसले का कितना असर पड़ता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।